दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, हम पूरे सब स्टेशन की बात करने वाले। सब स्टेशन में शुरुआत से चलते हैं। जैसे पावर हाउस सब स्टेशन, यहाँ पे 233 KV की लाइन आई है। ये पहली लाइन 132 KV GIS से आई है। 132 KV GIS से 33 KV लाइन ये आ रही है। ये लाइन आइसोलेटर लगा हुआ है इसको अलग करने के लिए। दूसरी 33 KV लाइन हमारी जो है आ रही है मिंटो पार्क से, ट्रांसमिशन के मिंटो पार्क से आ रही 33 KV लाइन, इसका लाइन आइसोलेटर यहाँ लगा हुआ है। इन दोनों की लाइनों के लिए ऊपर एक बस बार बनाया गया है, 33 KV का बस बार है। 33 KV का बस बार है। बस बार के बाद हम कुकिंग काम पे आते हैं। देखिए, बस बार के बाद फिर हमारा 33 KV का वोल्टेज मापने के लिए पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। एक चुन्नी जिसके ऊपर लगी समझ लो पीटी है, ये पीटी लगी हुई है ताकि हमारा वोल्टेज का मेजरमेंट हो सके, 33 KV वोल्टेज का मेजरमेंट हो सके। उसके बाद फिर हमारा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर लगाया गया है, एक लाइटिंग अरेस्टर लगाया गया। उसके बाद हमारे पास जो ध्यान दीजिएगा, ये लगाया गया आपका आइसोलेटर है जो कि सब स्टेशन का है, जो इस ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करने का काम करेगा। सिर्फ इस ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करने का काम करेगा। आइसोलेटर है, नो लोड पर हमेशा ऑपरेट किया जाएगा। लोड काटने के बाद आइसोलेट किया जाएगा, ब्रेकर बंद करने के बाद ऑपरेट किया जाएगा। उसके पश्चात हमारा 33 KV का सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर के ऊपर उसका जो है वैक्यूम इंटरप्टर लगा हुआ है। वैक्यूम इंटरप्टर के अंदर कॉन्टैक्ट ऑन और ऑफ होते हैं। उसके बाद जो आपको दिख रहा है, ये हमारा सीटी है, दो कान वाली सीटी है। करेंट ट्रांसफार्मर से जो नीचे लीड निकल रही है, ये ब्रेकर में कनेक्ट जाती है, कंट्रोल पैनल में जाती है। ये कभी भी सेकेंडरी इसकी ओपन नहीं होनी चाहिए। सीटी की सेकेंडरी अगर ओपन रहेगी, लोड पूरा रहेगा तो सीटी ब्लास्ट हो जाएगी। उसके बाद 33 KV की बुशिंग आ जाती है। और ये हमारा जो है कंजर्वेटर है, सिलिका चेप को हमेशा देखते रहिए किसका कलर कैसा है। अगर इसका कलर ब्लू है तो बहुत बढ़िया है, और अगर वाइटिस की ओर चला जाए, वाइटिस होने लगे तो उसको पिंक हो तो भी खराब होता है। उसे अगर गर्म वरम करा देंगे तो सही हो जाएगा, अगर वाइट हो जाए तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। जो नमी सोखने के काम में आता है, ट्रांसफार्मर सांस लेता है तो सांस जो बाहर से खींचता है उसकी नमी को सोखने के लिए हमारे पास ये ब्रीदर है। इसमें सिलिका जेल पड़ा रहता है, नीचे कप में ऑयल रहता है। ये हमारा कंजर्वेटर है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे टैप चेंजर लगाया गया है जिससे टैप चेंज की जाती है वोल्टेज हटाने बढ़ाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण हमको यहाँ का, ये आपका 11 KV साइड है। देखिए, तीन ठो तार निकला है और एक न्यूट्रल हमारा अर्थ किया गया है, जो ज़मीन में डायरेक्ट अर्थ किया गया है, न्यूट्रल में अर्थ किया गया है। उधर 33 KV है, इधर 11 KV साइड है। उधर 3 फेज था, इधर 3 फेज 4 वायर है। न्यूट्रल को अर्थ कर दिया गया। अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अर्थ का रेजिस्टेंस समय समय पे मापन होना चाहिए। अर्थ का रेजिस्टेंस हमारा 0.5 ओम, 0.6 ओम रहे बेहतर है। इसका समय समय पे टेम्परेचर देखिए, ऑयल का टेम्परेचर बताने के लिए OTI लगी रहती है, वाइंडिंग का टेम्परेचर बताने के लिए WTI होती है। देखिए, जो ये वाला दिख रहा है, ये हमारा बता रहा है कि 40 डिग्री के आसपास जो ऑयल का टेम्परेचर है, वाइंडिंग का टेम्परेचर 50-55 के आसपास है। वाइंडिंग का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, ऑयल का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। इसे एक एक घंटे, दो दो घंटे पे नोट करते रहिए, देखते रहिए कि टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ तो नहीं रहा है। ये हमारे सब स्टेशन की। अब ये जो 11 KV साइड है, ये 11 KV साइड सीधे हमारे जो है पैनल रूम में चली जाती है, 11 KV इनकमिंग पैनल में चली जाती है। फिर वहाँ से जगह जगह ब्रेकर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये हमारी टोटल, देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा कंजर्वेटर में ऑयल का लेवल भी हमेशा देखते रहिए, ऑयल का लेवल देखते रहिए। जैसे देखिए, हाफ है तो बढ़िया है, हाफ है तो ठीक है, ज़्यादा भी नहीं भरना है। ज़्यादा भर देंगे तो फिर लीकेज होने लगेगा, क्योंकि जब लोड पड़ता है तो ऑयल उबलने लगता है तो बाहर लीक करने लगेगा। हाफ है ठीक है, चल जाएगा, हाफ से थोड़ा कम भी रहेगा तब भी चल जाएगा। ये लगभग हमारा सिस्टम रहता है हर सब स्टेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद।